जिस तरीके से उनके फन को कुचला जा रहा है, यही एक बड़ी वजह कि अब इस तरीके से निकलकर आकर वो हमले करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। घटनास्थल से आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। खतरनाक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की इसमें मृत्यु हो गई है, जबकि दो अन्य जवान भी घायल हैं, जिनका उस समय श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। दोनों जवानों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि दो जवानों के लापता होने की भी अब खबर आ रही है। ऑपरेशन को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है और अतिरिक्त कमांडोज इस जगह पे बुलाए गए हैं। मेरे पीछे वो पहाड़ियां हैं जो रात के अंधेरे में तो दिख नहीं रही है, लेकिन इसके बीच में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान इस समय फैले हुए हैं और उन मिलिटेंट्स को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन कुलगाम में हुए हमले की बिल्कुल छाप इस हमले में भी देखी जा सकती है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर टारगेट किया गया और खासतौर पर अफसरों को निशाना बनाकर टारगेट किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स का एक ग्रुप इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है जो सुरक्षा बलों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने देखी, कुलगाम में जैसा हुआ था बिल्कुल उसी पैटर्न पर अनंतनाग में भी दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की भी जान चली गई, वो भी शहीद हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, चूंकि आशंका इस बात की है कि 3 से 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और जनरल वीके सिंह ने इस पर जो ट्वीट करके अपनी बात रखी है, भारतीय सेना के सेना मेडल से सम्मानित कर्नल मनप्रीत सिंह कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है। वाकई में जिस तरीके से इन लोगों की जान चली गई, इससे हर कोई दुखी है, परेशान है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को लेकर देखिए क्या बातें लिखी हैं जनरल वीके सिंह ने। उनके परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं, लेकिन कई सवाल भी हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, आतंकवादी आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो गए वहां पर। ये उनका दुस्साहस आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और एके सिवा साहब इस बीच मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवा साहब, बहुत ही दुखद खबर, कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों को भी मिल पा रही है क्या अपने सोर्सेस के हवाले से? हाँ देखो, सच्चाई ये है कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, 19RR के जो CO कर्नल मनप्रीत ऑपरेशन में थे, और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर जो हैं इंडियन आर्मी में लीड करते हैं, ये बार बार धारणा कही जा रही है कि कमांडिंग ऑफिसर का कैसे होगा, कई बार हो जाता है कैजुअलिटी, मगर ऑपरेशन में हमारे यंग ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर तक लीड करते हैं। और ये हाइब्रिड वारफेयर है, जब ये कार्रवाई हुई तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटी हो गए, मगर जो आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, क्योंकि अभी 40 से 50 आतंकवादी रह गए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी, उनके पास हथियार और वेपन नहीं है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जो साउथ कश्मीर में, चाहे वो कुलगाम हो, अनंतनाग हो, मैंने वहाँ कम से कम 7 से 8 साल ऑपरेट किया है, मैं यही बता सकता हूँ ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मगर ये सच्चाई है कि भारत की जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं यूनिट के, वो लीड करते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये जो भी टेररिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ऐसा लगता है कि हो सकता है ये नया कोई ट्रैक आया हो या पुराने आतंकवादी हो, इनको जल्दी ढूंढ लिया जाएगा और इनको मौत के घाट उतारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और ये सच्चाई है कि आज की तारीख में अमन और शांति है साउथ कश्मीर में, और बिल्कुल आतंकवाद का सफाया होने वाला है। 30 से 40 से ज़्यादा आतंकवादी नहीं है। ये इंसिडेंट को, ये वन ऑफ द बैड इंसिडेंट है, ये कि अनफॉर्चुनेट हुआ है, मगर ये सच्चाई है कि वी विल बाउंस बैक, और हमारी जो फौज है उस इन आतंकवादियों को बिल्कुल साहब बीच में आपको रोक रहा हूं, चूंकि एक अपडेट है, बड़ी जानकारी मिल रही है कि रात भर आतंकियों को पकड़ने के लिए वहां पर ऑपरेशन चलेगा। आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल फोर्स वहां पर तैनात है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, रात भर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलेगा। ये सघन जांच पड़ताल वहां पर लगातार जारी है। हमारे साथ आशीष सिंह लगातार जुड़े हुए, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। आशीष, अमूमन ऐसा नहीं होता जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अंधेरा घिर जाने के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी रहे, लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि रात में भी उन्हें ढूंढा जाएगा, इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दों को।
देखिए कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जब सनसेट के बाद में जनरली हम देखते हैं कि एरिया को कॉर्डन कर दिया जाता है ताकि आतंकवादी उस एरिया से बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन हम डिटेल में, क्योंकि स्पेशल फोर्सेज डिप्लॉयड है और ऑपरेशन अभी भी ऑन गोइंग है, तो कौन सी यूनिट है, कितने नंबर हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसमें नहीं डिटेल में जा पाएंगे। लेकिन दर्शकों को ये अपडेट जरूर दे दें कि स्पेशल फोर्सेज को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जनरली हम देखते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोई भी आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ होती है तो स्टैंड बाय पर ही रहती है स्पेशल फोर्सेज, और लेकिन इस केस में उन्हें डिप्लॉय किया गया है। एज आई मेंशन की डिटेल में नहीं जाना होगा क्योंकि हम सुबह तक का कम से कम इंतजार करेंगे। 3 से 4 आतंकवादियों के छुपे होने की बात बताई जा रही है और साथ ही साथ जो उनके हैंडलर हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें भी किस तरह से जल्द ट्रेस करके पकड़ा जाए, इसको लेकर भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। देखिए इस तरह से जब एक कमांडिंग ऑफिसर हमारे KIA हो जाए, वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, मेजर हो जाए या फिर कोई जवान भी हो जाए, तो उस यूनिट में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो जनरली यूनिट तो वेट नहीं करते कि हम सुबह तक या फिर बहुत सारी चीज़ें फॉल इन लाइन हो या फिर वेल इन प्लेस हो तभी उसे रिज्यूम किया जाए। वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है और उसके लिए बेस्ट फुट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं वो डिप्लॉय किया जा रहा है। और स्पेशल फोर्सेज के साथ साथ जो ऑन ग्राउंड रूटीन टीम्स होती हैं RR की, बाकी यूनिट्स भी, वो भी डिप्लॉय कर दी गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।